चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अभी तक हमने जीएसटी में सप्लाई के कुछ पॉइंट पढ़ दिए थे कि सप्लाई क्या होती है ना, अब उसे थोड़ा सा आज लास्ट करते हैं सप्लाई को। हमने वन बीज इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ना, वेदर और नॉट फॉर इन द फर्दरेंस ऑफ कोर्स बिजनेस, 1B 7(1)(b) में आ रहे हैं एक बार दोबारा से। फॉर हम सब इंपोर्ट अगर सर्विस का करा है, चाहे वो बिजनेस के लिए है या पर्सनल यूज के लिए, दैट विल अट्रैक्ट जीएसटी है ना, उस पर जीएसटी लगेगा। मतलब वो सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होगी और उस पर जीएसटी लगेगा। मान लीजिए आपने क्या करा, आप यूएसए जाना चाहते हो ना, आप यूएसए जाना चाहते हो फॉर जॉब पर्पज एंड अदरवाइज, या घूमने के लिए जाना चाहते हो, लेकिन आपको वहाँ जाके कहाँ रहना है, क्या करना है, तो आपको वहाँ के बारे में पता करना है, तो आपने वहाँ एक ट्रैवल कंसल्टेंट को हायर करा, और उससे उसकी सर्विसेज ली, स्पेशलाइज सर्विस की, बता भाई वहाँ क्या आइटनरी रहनी चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, क्या करना है, तो लेकिन उससे आपने टूर बुक नहीं कराया अभी है ना। टूर बुक कराओगे तो फिर बात अलग होगी, आप केवल सर्विस ले रहे हो। आप बैठे इंडिया में ही हो, आप यूएस प्लान करने की सोच रहे हो, हो सकता है यूएस में बिजनेस करने की सोच रहे हो, यूएस में घूमने जा रहे हो, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो फिलहाल, आप एज इंडिविजुअल हो और आपको यहाँ पे आपको ट्रैवल पर्पज के लिए जाना है और किसी ट्रैवल एजेंट से आपने सर्विसेज ली हैं और उसने आपको बिल दिया $2,000 का। इज इट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या इस ट्रैवल का बिजनेस से लेना देना है? नहीं, ये बिजनेस के लिए, आप तो घूमने जा रहे थे, आपने यूएस के ट्रैवल एजेंट को बोला भाई मेरे को बता वहाँ पे क्या क्या घूमने के लायक जगह है, क्या होटल का खर्चा आएगा, क्या आएगा, सारा कुछ आइटनरी पूरी डिस्कस करी, लेकिन उसने बोला मैं इसके भी पैसे लूँगा, तुम टूर बुक कराओ या मत कराओ, उसने अपने सर्विस चार्ज लिए $2,000। इज इट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आप क्या इसे बिजनेस के लिए कर रहे थे? नहीं, ये पर्सनल यूज कर रहे थे। तो ये क्या है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कहाँ है, इन द इंडिया। आप जो रेसिपिएंट हो, आप रेसिपिएंट हो एंड यू आर इन इंडिया, आप इंडिया में हो, और जो सप्लायर है वो यूएसए में है, जिसने आपको सर्विस सप्लाई करी वो बाहर है, आउटसाइड द इंडिया। तो सर्विस कहाँ आ रही है, इंडिया में। अब जब सर्विस इंडिया में आई, इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, वेदर और नॉट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है तो आपको जीएसटी लगेगा है ना, चाहे वो सर्विसेज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए थी या नहीं थी, जीएसटी में वो सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होगी, वो लेटर ऑन स्टेज में पता लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, आरसीएम में लगेगा, वो बात की बात है, लेकिन जीएसटी तब तक नहीं लग सकता जब तक वो सप्लाई नहीं बनेगी, तो सप्लाई तो ये बन जाएगी। जीएसटी वैसे तो आरसीएम में लगेगा, इसमें जीएसटी में सॉरी कस्टम ड्यूटी पे जब इसके फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे तो जीएसटी देके ही भेजना पड़ेगा, साथ में यहाँ पे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, वो केस टू केस आगे चल के सोचेंगे कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, किस परसेंटेज पे लगेगा, गुड्स पे लगेगा, सर्विस पे लगेगा, वो बात की बात है। बट हम आज की डेट में डिस्कस क्या कर रहे हैं, विल इट बी कॉन्स्टिट्यूट एज सप्लाई और नॉट, यस इट इज़ अ सप्लाई, वेदर और नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो बिजनेस के लिए थी या नहीं थी। अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है तो सेक्शन 7(1)(b) लगेगा और उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड नीचे लास्ट में एक एग्जांपल आएगा, तो ध्यान रख लेना सेक्शन 7(1)(b) को, दोबारा पूछूं मैं आपसे। तो अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है तो सप्लाई कहलाएगी। सेक्शन 7(1)(c) द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। अब शेड्यूल 1 में वो एक्टिविटी हैं जो फॉर अ कंसिडरेशन है, शेड्यूल 1 में मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। अब शेड्यूल 1 देखते हैं क्या कहानी कह रहा है ना, शेड्यूल 1 क्या कह रहा है आपको, शेड्यूल सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, द फॉलोइंग सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन विल ऑल्सो बी रेटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7। सप्लाई की डेफिनेशन कहाँ पे है, सेक्शन 7 से डील कर रहे हैं ना, हम सेक्शन 7 से डील कर रहे हैं, अभी तक सप्लाई कहाँ लिखा है, सेक्शन 7 ऑफ द CGST Act 2017। तो सेक्शन 7 ऑफ द CGST Act 2017 को पढ़ रहे हैं हम सप्लाई के लिए। अब वो कह रहा है शेड्यूल 1 में वो सप्लाई दी गई है जो विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब जिसके बदले में पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, पैसे मतलब क्विड प्रो क्यों नहीं हो रहा, कोई उसके बदले में किसी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ नहीं जा रही है, बट इट इज स्टिल कंसिडर्ड सप्लाई है ना। द फॉलोइंग सप्लाई आर मेड विदाउट कंसिडर विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर द सेक्शन 7 है ना,
सेक्शन 7 में ये चीज़ें भी सप्लाई मान ली जाएंगी, जबकि इनके बदले में कंसीडरेशन नहीं हो रहा। हम सबसे पहले पढ़ के आए हैं सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर बाई अ पर्सन फॉर अ कंसीडरेशन इन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना, मेड और एग्रीड टू बी मेड वाली कंडीशन। लेकिन शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी सप्लाई दी गई हैं चाहे वो विदाउट कंसीडरेशन हो लेकिन सप्लाई मानी जाएंगी। द ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन अ परमानेंट बेसिस, दिस क्लॉज कवर्स द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी फॉर नो कंसिडरेशन, मतलब वो भी कवर करता है। कहने का मतलब है आप कोई बिजनेस चला रहे थे, आपने अपनी एसेट अपना बिजनेस बंद करा और एसेट बेच दी स्क्रैप में, परमानेंट डिस्पोजल हो गया, तो क्या ये सप्लाई है या नहीं है? हाँ जी, आप कोई बिजनेस रन कर रहे थे, बिजनेस बंद कर दिया, आप वो बिजनेस स्विच करके दूसरे बिजनेस में आना चाहते हो। मान लीजिए आप पॉलीथीन बैग बनाने के बिजनेस में थे, पॉलीथीन बैग पर रोज़ आपको पता है हर 2-4 साल में सरकार की नींद खुल जाती है, सरकार कोई ना कोई नोटिफिकेशन ले आती है, कल से पॉलीथीन बैग बंद, पर्टिकुलर डेट से पॉलीथीन बैग बंद, पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग बंद, सेलिंग बंद, जो करता हुआ पाया गया उस पर चलान होगा, पेनल्टी होगी। 2-4 दिन बाद सरकार को फिर कुंभकर्ण वाली नींद आती है, फिर सो जाती है, फिर वही पन्नियाँ बिक रही हैं। आज भी आपके हाथ में पॉलीथीन है, मार्केट में पॉलीथीन में सामान बिक रहा है, हर 2-3 साल में सरकार को नींद खुलती है। तो वो या तो हो सकता है प्लास्टिक इंडस्ट्री से कुछ उगाही करनी होती होगी या कुछ और रीज़न है। वैसे तो एक रीज़न तो ये है कि क्योंकि भारत सरकार ने इंटरनेशनल मीटिंग में कमिटमेंट करा हुआ है 2026 या 2027 तक हम प्लास्टिक फ्री बना लेंगे इंडिया को, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जब इंटरनेशनल प्रेशर आता होगा तो वो यहाँ हल्ला हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आप प्लास्टिक फ्री इतनी जल्दी बना पाओगे। इतनी इंडस्ट्री से इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतने सारे लोगों का रोज़गार है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही कहीं बाहर से प्रेशर आता होगा तो सरकार यहाँ 2-4 में लाठी बजाना शुरू कर देती है ना। वो बेचारे कईयों के चलान भी हुए, पिछली बार चलान भी हुए थे कईयों के, तो वो होता है। तो अगर मान लीजिए अब आपको लग रहा है यार ये रोज़ परेशान हो गए, हर 2-3 साल में नौटंकी होती है, हमारा स्टॉक फंस जाता है, औने पौने दाम में स्टॉक बेचना पड़ता है, हम तो परेशान हो गए, हम तो प्लास्टिक के हम खुद ही बंद कर देते हैं, तुम भी चला लो। तो अब आपने क्या करा, अपनी सारी मशीनरी, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री में नोटिफिकेशन आए तो दूसरा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर तो लेगा नहीं, अगर ले भी ले तो आपने तो बेच दी, चाहे दूसरा ही प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर ले ले, लेकिन आपने बेच दी, आपने डिस्पोज ऑफ कर दी फॉर परमानेंट डिस्पोजल, है ना, उस मशीनरी का परमानेंट डिस्पोजल कर दिया आपने। तो क्या ये कंसीडर सप्लाई है या नहीं है? आपने अपनी प्लांट एंड मशीनरी का परमानेंट डिस्पोजल करा है विदाउट कंसीडरेशन। आपने कहा तू फ्री में ले जा, माफ़ कर, विदाउट कंसीडरेशन ना, कबाड़ी को बोला तू ले जा, जगह खाली होगी, कम से मकान के किराए तो खाएंगे, इतनी फैक्ट्री से प्रोडक्शन नहीं हो रहा जितना हमको किराया लग जा रहा है, वो नुकसान हो जा रहा है, तो इससे बढ़िया तू ले जा मशीन, भाई तू हाथ जोड़े तू फ्री में ले जा, ठीक है, परमानेंट डिस्पोजल कर दिया। तो परमानेंट डिस्पोजल विदाउट, अगर बेचोगे तो फिर तो सप्लाई लगेगी ना, अब हम तो कह रहे हैं विदाउट कंसीडरेशन की बात है। तो परमानेंट डिस्पोजल विदाउट कंसीडरेशन सेल कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई ओनली व्हेन इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम अगेंस्ट सच एसेट्स। अगर उन एसेट्स के अगेंस्ट, क्या ध्यान से सुना, ये सिल्वर लाइन है इसकी, अगर उन एसेट के अगेंस्ट आपने कभी इनपुट टैक्स क्लेम किया था और उन जिन एसेट के अगेंस्ट आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया है और उन एसेट्स को आप डिस्पोज करते हो, परमानेंट डिस्पोज करते हो विदाउट कंसीडरेशन, बेचोगे तब तो है ही है, विदाउट कंसीडरेशन भी बेच रहे तो भी सप्लाई मान ली जाएगी। अगर ITC क्लेम किया गया है तो GST लगेगा, है ना, मतलब GST की बात नहीं कर रहा अभी भी मैं, फिर बोल रहा हूँ कि सप्लाई मानी जाएगी। GST कब लगेगा, कितना लगेगा, बात की बात है, है ना, वो टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई बताएगी कितने पे GST लगेगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल से पता लगेगा। मतलब अगर सप्लाई बन गई तो उस पर टाइम ऑफ सप्लाई भी अप्लाई होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी अप्लाई होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी अप्लाई होगा, फिर सब कुछ लगेगा। सबसे पहले क्या है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं सप्लाई, परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स अगेंस्ट विच SSC हैज क्लेम्ड द ITC, जिसके अगेंस्ट SSC ने इनपुट टैक्स क्लेम किया है, दैट एसेट्स हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ और ट्रांसफर्ड परमानेंटली विदाउट कंसीडरेशन सेल कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई। बस कंडीशन यही है कि उसके अगेंस्ट ITC क्लेम करा होगा, अगर ITC क्लेम नहीं करा होगा तो वो डिस्पोजल सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो ट्रांसफर सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट है कि SSC मस्ट हैज क्लेम द ITC, बात क्लियर हुई। अब आपको सब्सिडरी और होल्डिंग का कंसेप्ट पता है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी, देखो सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी में क्या होता है, ये कंपनी है, एक कंपनी है, एक NIFM लिमिटेड है, एक CIFM लिमिटेड है, ऐसी, ठीक है। अब CIFM लिमिटेड के
51% जो शेयर्स है ना वो NIFM लिमिटेड के पास है. तो NIFM नाउ इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ CIFM. ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है ऑफ NIFM. अगर किसी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी की कंट्रोलिंग पावर होती है, कंट्रोलिंग और मैनेजरियल डिसीजन लेने की पावर होती है आइदर इन सिंगल और इन क्लबिंग इन क्लब्ड, तो वो सब्सिडरी होल्डिंग कहलाती है. मान लीजिए NIFM लिमिटेड के पास इसके पास डायरेक्टली 51% नहीं थे, लेकिन इसके पास प्लस इसको मिला के इसके पास कुछ और ऐसे मेंबर हैं जो NIFM को अपना सपोर्ट देने को तैयार हैं, है ना, तो वो भी कंट्रोलिंग पावर से भी सब्सिडरी हो जाती है वो, है ना. NIFM के पास तो है, NIFM के जो खुद के शेयर होल्डर हैं उनके पास भी CIFM के शेयर्स हैं, तो NIFM के शेयर्स और NIFM के शेयर के शोल्डर शेयर्स के जो शेयर होल्डिंग मिला के 51% ज़्यादा हो जाएगी इसकी, तो ये NIFM इसकी सब्सिडरी हो जाएगी, होल्डिंग हो जाएगी सॉरी. तो होल्डिंग कंपनी वैसे अगर इक्विटी शेयर की प्रपोर्शन में बात करोगे तो 51% से ज़्यादा अगर किसी के पास कंपनी की शेयर होल्डिंग है तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और जिसके शेयर्स होते हैं वो सब्सिडरी कहती है. तो अब मान लीजिए NIFM ने CIFM के 51% शेयर कर दिए. अब NIFM ऑलरेडी एजुकेशन के बिजनेस में, ये आप जानते ही हो, है ना, तो NIFM ने बोला कि चलो CIFM के भी एजुकेशन का बिजनेस चालू करते हैं. तो लेकिन जो NIFM के पास अब इसको या तो नई सारी एसेट खरीदनी पड़ेंगी, सारी नई एसेट करनी पड़ेगी, हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा बाद की बात है, इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का अभी मूड नहीं है. तो NIFM ने क्या करा, अपने यहाँ से कुछ एसेट, कुछ LED पैनल, लैपटॉप, वाइट बोर्ड, जो इसेंशियल चीज़ें थी इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, वो ट्रांसफ़र कर दी. NIFM में अपनी कुछ एडिशनल जो एक्स्ट्रा वो था फिक्स एसेट या कॉस्ट जो था कैपिटल एसेट, वो ट्रांसफ़र कर दी CIFM को कि टू रन द ऑपरेशन, है ना, कम से कम इनिशियल लेवल पे ऑपरेशन तो रन होगा. और विदाउट कंसिडरेशन करिए, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी से कोई पैसा नहीं लिया, एसेट ट्रांसफ़र कर दी, एंट्री ट्रांसफ़र कर दी, दोनों तो एक ही है ना, ओनरशिप तो दोनों के एक ही के पास है. तो इसने विदाउट कंसिडरेशन ये चीज़ें ट्रांसफ़र करी. इज इट अ सप्लाई और नॉट, इज इट अ सप्लाई फॉर NIFM, पहली बात तो ये बताओ सप्लाई है या नहीं है, फिर दूसरा पूछूंगा कि ये सप्लाई NIFM के लिए है या CIFM के लिए है. फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इज इट अ सप्लाई और नॉट, NIFM हैज ट्रांसफर्ड सम कैपिटल एसेट्स टू CIFM हु इज द सब्सिडरी ऑफ NIFM, ये सप्लाई है. चलो सप्लाई तो है क्योंकि ट्रांसफर हुआ है. अच्छा मैंने बोला था सप्लाई कब मानी जाएगी, जब ITC क्लेम किया होगा. अच्छा इस पे भी आते हैं. अब ये सप्लाई NIFM के लिए है या CIFM के लिए है, NIFM के लिए है. तो NIFM ने, आप ये इनहेरेंटली मान रहे हो कि NIFM ने इन चीज़ों का इनपुट लिया होगा, तभी तो सप्लाई बोला, इनपुट लिया होगा नहीं लिया होगा. अच्छा इनपुट अलाउड होता है इनका, LED TV, वाइट बोर्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर को, NIFM को इसका ITC अलाउड होगा, कहीं 17-5 में ब्लॉक तो नहीं था, ITC अलाउड था या नहीं था. आप मान लीजिए, अच्छा आप एक स्टेप पीछे चलते हैं, NIFM आपके पास कंसल्ट क्लाइंट है, NIFM आपके पास आया कि मैं लैपटॉप कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, क्या मुझे ITC मिलेगा नहीं मिलेगा, आप बताओ क्या सजेस्ट करोगे उसे. NIFM ये कह रहा है, NIFM सीकिंग एन एडवाइस फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट आई एम गोइंग टू ऑपरेट अ इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फॉर विच आई नीड लैपटॉप, वाइट बोर्ड, LED TV एंड ऑल दीज थिंग्स. Will NIFM eligible to take credit on these capital assets or not? क्या NIFM को LED TV, लैपटॉप, वाइट बोर्ड, कंप्यूटर्स इनका इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सेक्शंस मिलेगा. ऑल दीज आइटम्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. आप बिना वाइट बोर्ड, बिना लैपटॉप, बिना पैनल के पढ़ने आओगे? ज़्यादातर बच्चे जो फिजिकल के जाते हैं, कि चाहे NIFM जाए, किसी भी स्टूडेंट हैं, तो कुछ बच्चे मैक्सिमम कैसे हुए, ये जरूर पूछते हैं सर लैब दिखाओ, अपनी क्लासरूम दिखाओ. देखी थी ना क्लासरूम, तो देख रहे थे ना ये कहाँ पढ़ा रहे हैं, अंदर कहीं खाली पेपर लेके तो नहीं बैठे, वो पुराने ज़माने वाला ग्रीन बोर्ड लेके, है ना, चौक और बोर्ड लेके तो नहीं बैठे. तो ये तो मेरी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, बिना देखो NIFM को बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना कैसे पढ़ाएगा ना. आज के जो टाइम के हिसाब से नहीं चलोगे तो वैसे ऑब्सोलेट हो जाओगे. तो अब इंस्टीट्यूट ये नहीं कह, मतलब GST डिपार्टमेंट ये क्यों कह रहा है कि आज के टाइम में चौक और ब्लैक बोर्ड लेके बैठो, नहीं तुम्हें ITC कम देना है तो चौक और ब्लैक बोर्ड लेके बैठो. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता.
तो टेक्नोलॉजी के साथ चलने को मना नहीं कर रहा डिपार्टमेंट, बट दैट मस्ट नॉट बी मिसयूज, है ना, फ्लॉज नहीं होने चाहिए उसके। तो आपको इसका यानी कि ये तो बाय डिफॉल्ट है इनहेरेंट फीचर था कि इन सब चीज़ों का NIF ने ITC क्लेम कर लिया होगा, और जब ट्रांसफ़र करा परमानेंट ट्रांसफ़र, परमानेंट डिस्पोजल इन फेवर ऑफ द सब्सिडरी ऑफ द NIFM, इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई, है ना, ये सप्लाई मान लिया जाएगा क्योंकि NIFM ने इसका ITC क्लेम करा हुआ है। तो अगर वो ये कह रहा है पहली वाली लाइन के, यहाँ से जो लाइन चालू हो रही थी कि अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को और वाइस वर्सा, सब्सिडरी होल्डिंग को भी कर सकती है, अगर सब्सिडरी ने क्लेम लिया है और होल्डिंग के पास वापस भेजना है तो ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए NIFM लेटर डेट पे डिसाइड करे कि CIFM से एजुकेशन का बिजनेस हम बंद कर रहे हैं, ये यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, इस कंपनी में कोई दूसरा बिजनेस करेंगे, तो अब CIFM के पास क्या है, जो CIFM ने अपनी एसेट खरीदी होंगी, आइदर दे विल सेल इट एज स्क्रैप और दे विल ट्रांसफर बैक टू NIFM, वो NIFM को ट्रांसफर कर देगी विदाउट कंसिडरेशन, तो भी का सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो एसेट पे सप्लाई अगर इसके अलावा CIFM ने खुद एसेट डायरेक्ट खरीदी कुछ, और बाद में NIFM के मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि CIFM का एजुकेशन वाली लाइन हम बंद कर रहे हैं, तो अब या तो वो इस एसेट को सेल आउट कर दें, नहीं तो NIFM ऑलरेडी इस बिजनेस में है तो NIFM ने एसेट को एक्वायर कर लेगा। तो CIFM ने अगर NIFM को एसेट वापस भेजी जिनके ऊपर CIFM ने ITC लिया, वो वाला इनके ऊपर तो ITC लेगा नहीं ना, वो ये तो विदाउट कंसिडरेशन आई है तो ITC कैसे आ जाएगा, ITC आई नहीं पाएगा। लेकिन अगर इधर से आया है तो इस पर ITC भी अगर CIFM ने क्लेम करा वापस NIFM को दिया तो इट इज़ अगेन अ सप्लाई, क्यों, अब की बार CIFM ने ITC ले लिया, है ना। अगर किसी पे भी ITC क्लेम किया गया है, चाहे होल्डिंग टू सब्सिडी और सब्सिडी टू होल्डिंग, तो वो सप्लाई मान ली जाएगी, ये बात क्लियर है सर। लेकिन अगर जैसे जो उसका स्टॉक था, अगर वो NIFM को ना दे, किसी और को देता, तो अगर देखो किसी को भी दे दे, अगर विदाउट कंसिडरेशन देगा और उस पर उसने इनपुट क्लेम कर रखा है तो सप्लाई माना जाएगा, सिंपल सी बात है। ये पहली वाली देखो, मैंने इसलिए बोला यहाँ से पहली लाइन किसी के लिए भी है, ये दूसरी होल्डिंग और सब्सिडरी के लिए, ये वाली बात थी बस खाली। आप अभी मैंने कहा ना स्क्रैप डीलर को दे दो विदाउट, मैंने बोला प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले ने बोला तू मशीन फ्री में ले जा, मुझे तो से एक रुपया भी नहीं चाहिए, तू मशीन हटा, जगह खाली होगी, मैं कोई और काम करूँगा, जगह को रेंट पे दूंगा, सुकून से जीऊँगा, ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। तो मशीन तो स्क्रैप डीलर को दी थी ना मशीन वाले, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर वाले ने, जो पॉलिथीन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में था उसने अपनी मशीन स्क्रैप डीलर को दी फ्री ऑफ कॉस्ट, बस तू उठा, चाहे उठाने के 200-400 रुपये मेरे से और ले ले, उठा ले, मेरे को यहाँ से नहीं, ये जगह खाली चाहिए अब, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब जगह प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बंद थी, तो कोई भी उस मशीन को क्यों खरीदेगा, तो कोई नहीं खरीद रहा था, और मुझे कोई रेंटल के लिए अच्छी ऑफर मिल रही थी, मैं चाहता था जगह खाली हो, सफाई कराऊँ ताकि रेंटल मिलूँ, तो मैंने फ्री में दे दी। बट मैंने जब बिजनेस कर रहा था तो मैंने उस मशीन का ITC लिया होगा नहीं लिया होगा, जब मैं पॉलीथीन का बिजनेस कर रहा था, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा था, मैंने वो मशीन खरीदी थी कैपिटल एसेट, तो उसका ITC लिया होगा ना मैंने, क्योंकि कैपिटल वो तो फर्दर से बिजनेस के लिए आई थी मशीन, तो ITC लिया था, तो बेचते थे बेशक मैं विदाउट कंसिडरेशन बेच रहा हूँ, बट इट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई, वो सप्लाई मानी ही जाएगी, चाहे विदाउट कंसिडरेशन बेच दिया, वो थी थर्ड पर्सन को दे दो तो भी लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब NIFM के पास ना दो कार हैं, उसने इसमें से एक कार जो है CIFM को भी ट्रांसफ़र कर दी, CIFM के मैनेजमेंट को दे दी कि भाई एक कार तुम भी रखो लो, एक कार यहाँ आ गई, और विदाउट कंसिडरेशन, कोई पैसा नहीं दिया, होल्डिंग और सब्सिडी वाला चक्कर ही तो है, इसलिए कोई पैसा भी नहीं दिया, इज इट अ सप्लाई और नॉट, नहीं तो सप्लाई है या नहीं है, नहीं सर, नहीं है, क्योंकि NIFM को इसका ITC नहीं मिला था, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना, कि ब्लॉक क्रेडिट में था, कार का ITC तो ब्लॉक क्रेडिट में है, तो NIFM को जब इसका ITC नहीं मिला, NIFM ये ट्रांसफ़र भी करेगा तो देन इट विल नॉट बी अ सप्लाई ऑल्सो, चाहे विदाउट कंसिडरेशन भी हो रही है तो ये सप्लाई नहीं है, लेकिन पहले वाली चीज़ों का सप्लाई था, क्यों, क्योंकि उसका ITC मिला था, ब्लैक बोर्ड का, वाइट बोर्ड का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, उन सब का वाइट ITC ले रखा जी NIFM ने, तो इसलिए वो सप्लाई थी, है ना, शेड्यूल वन में एक सप्लाई तो ये हो गई, विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो, है ना, तब भी सप्लाई मान ली जाएगी, द ट्रांजेक्शन वुड कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ओनली द ITC हैज़ बीन क्लेम्ड, अगर ITC क्लेम किया होगा तभी सप्लाई मानी जाएगी, स्टेटेड दैट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मानी जाएंगी, क्या, द फॉलोइंग परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडर विल नॉट बी डीम्ड एज सप्लाई, ये सप्लाई नहीं होंगी, कौन कौन सी,
बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक्ड, यानी कि कार है ना, बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक्ड और नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी, यानी कि ये क्या था, सप्लाई नहीं थी, ये सप्लाई नहीं थी। बिजनेस एसेट थ्रो इलिजिबल फॉर, दो एलिजिबल फॉर आईटीसी, आईटीसी हैज नॉट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। आईटीसी एलिजिबल था लेकिन उसने आईटीसी क्लेम ही नहीं करा, उसने आईटीसी रिवर्स कर दिया। अवेलेबल होने के बाद भी उसने क्लेम नहीं करा, रिवर्स कर दिया आईटीसी, तो भी वो क्या होगा, सप्लाई नहीं होगा। आईटीसी अवेलेबल था बट जीएसटी की रिटर्न भरते टाइम आपके पास ऑप्शन होती है, आप आईटीसी रिवर्स कर सकते हो, है ना, तो आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया, आईटीसी क्लेम ही नहीं करा आपने। क्यों? क्योंकि आप डेप्रिसिएशन चाहते थे पूरी मशीनरी पे, आप आईटीसी चाहते ही नहीं थे, आपको डेप्रिसिएशन में ज़्यादा फायदा लग रहा था, आईटीसी में कम फायदा लग रहा था, तो आपने बोला डेप्रिसिएशन, जीएसटी मिल रहा था 5%, आईटीसी मिल रहा था, डेप्रिसिएशन मिल रहा था उस मशीन पे 30%, तो फ़ायदा कहाँ पे है, खर्चा 30% ज़्यादा मिलेगा आपको, तो आपने आईटीसी नहीं लिया, है ना, तो आईटीसी रिवर्स कर दिया। और बाय व्हाटसोएवर रीजन, अगर आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हो तो भी वो, अगर उसको परमानेंट ट्रांसफ़र करते हो विदाउट कंसीडरेशन, तो वह सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये वही वाला एग्जांपल आ गए। अब ये जो दो एग्जांपल है ना, सी और डी, जरा इसे बताना क्या होगा इसका, सी और डी पढ़ना, एक बार सी को पढ़ो और डी को पढ़ो, इसके आंसर देना जरा मुझे। मेसर्स फास्ट ट्रैक ऑटोमोबाइल एन ऑटोमोबाइल डीलर गिफ्ट्स टू स्टॉक इन हैंड टू कार, अच्छा, टू देयर फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी फॉर रनिंग इलेक्शन कैंपेन, द ट्रांजेक्शन इज अ परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ, अच्छा सी वाला सप्लाई नहीं होगा, चलो देखते हैं क्या होता, पता नहीं मुझे तो। मैसेस फास्ट ट्रैक ऑटोमोबाइल ने, एक ऑटोमोबाइल डीलर है जिसने दो कार, यानी कि अपना स्टॉक इन हैंड, दो कार जो स्टॉक इन हैंड, ऑटोमोबाइल डीलर का कार ही स्टॉक इन हैंड है, अपना स्टॉक ट्रांसफर कर दिया एक पॉलिटिकल पार्टी को टू रनिंग इलेक्शन कैंपेन, आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, अपनी पार्टी को दे दिया जिसको पसंद करता था कि भाई चलो इलेक्शन में घुमाओ कार, मेरी तरफ से कोई बात नहीं, जीत जाओगे तो बाद में देख लेंगे, कार के पैसे तो मैं निकाल लूँगा, है ना। और क्यों दिया पॉलिटिकल पार्टी को, किस लिए दिया, इसलिए तो दिया है कल को कोई ना कोई फेवर ले लेगा वो, चलो वो तो बाद की बात है, लेकिन आज उसने अपनी पार्टी को, अपनी पॉलिटिक, अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को खुशी से दो कारें दे दी, चलाओ इलेक्शन कैंपेन में। अब चलाने के बाद तो परमानेंट ट्रांसफर है ना, वो बेचेगा कोई, दे दी तो पॉलिटिकल पार्टी को दे दी, ये कोई इलेक्शन कैंपेन खत्म हो कार धोधा के वापस शोरूम में रख दो, नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है, परमानेंट ट्रांसफर कर दी कार, उसी के नाम पर ट्रांसफर कर दी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर। अब ये सप्लाई है या नहीं है, अच्छा चलो अब देखिए, डी पे चलते हैं। द ओनर ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर गिव्स यूज लैपटॉप टू हिज फ्रेंड्स विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट फ्रॉम इन, ओ एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ने अपने कंप्यूटर कुछ लैपटॉप अपने दोस्त को दे दिया लेकिन पैसा नहीं लिया, इज इट अ सप्लाई और नॉट। पहली बात तो, इज आईटीसी ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल टू द ट्रेनिंग सेंटर और नॉट, पहले इसका आंसर क्या है, यस यस सर। तो दूसरे का, एन आई टी सी विल एंड विल द अबो ट्रांजेक्शन बी कंसिडर्ड एज डीम सप्लाई और नॉट, क्या डीम सप्लाई होगी या नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, गिफ्ट कराए विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई, हाँ मतलब ट्रांसफर कर दिया अपने दोस्त को, दे दिया गिफ्ट, दे दिया गिफ्ट कर दिया, दे ही दिया ना उन्हें, दे दिया गिफ्ट, मतलब भाई जो कंप्यूटर ट्रेनिंग में लैपटॉप यूज हो रहे थे, यूज लैपटॉप थे ये, यूज लैपटॉप उसने अपने दोस्त को दे दिए, इज इट अ सप्लाई और नॉट, वो तो परमानेंट ट्रांसफर है विदाउट कंसिडरेशन, परमानेंट डिस्पोजल, अपनी एसेट उठा के दे दी, उसने कह ले भाई तू यूज कर, तो क्या ये सप्लाई है या नहीं है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने पर आईटीसी से अवेलेबल नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, आप कहीं थोड़ा सा आगे चले गए, हमें आईटीसी में अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, हम ये कह रहे हैं एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है जिसके ओनर ने अपने सेंटर में से उठा के लैपटॉप, कुछ लैपटॉप अपने दोस्त को दे दिए विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट, तो पहली बात तो बात ये हो रही थी क्या ये जो लैपटॉप थे इसका इनपुट इस ट्रेनिंग सेंटर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिसका आंसर था यस, आप सब ने यस बोला था, मैंने भी लिख दिया इसलिए विदाउट रीथिंकिंग, है ना। तो अगर आप भाई ज़्यादा लोग जो बोल रहे हो ठीक है, आजकल तो बहुमत का ज़माना है वही चलता है, तो मैं क्या करूँ, आईटीसी तो देखो वैसे अभी तो एग्जांपल था एनआईएफएम, एनआईएफएम को आपने लैपटॉप कंप्यूटर का इनपुट दिलाया था ना, तो कंप्यूटर ट्रेनिंग में जो सेंटर है उसमें लैपटॉप और कंप्यूटर पड़े हैं, तो वो तो उसके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है ना, आपको एक्सेल सीखना है, आपको एमएस वर्ड सीखना है, टैली सीखना है, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के कैसे सीखोगे,
वो तो मेरे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होंगे, यानी कि इस ट्रेनिंग सेंटर के यूज में तो आ ही रहे वो। लेकिन उसने क्या करा, उसमें से एक लैपटॉप दो लैपटॉप अपने दोस्त को दे दिए फ्री में, ले भाई तू ले जा यार, चल कोई बात नहीं, मैं अपने इंस्टीट्यूट के दूसरे जा रहा हूँ, अभी तुम ले लो, यारी दोस्ती में दे दिए। तो उसके दोस्त को इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है क्या ये ट्रांजेक्शन सप्लाई उस कंप्यूटर सेंटर के लिए सप्लाई है या नहीं है, डीम सप्लाई है या नहीं है। हाँ जी, क्या है सप्लाई? नहीं है। ओके, नहीं वाले कौन कौन है? इसका आईटीसी लिया था तो ये भी सप्लाई मानी जाएगी। अगर आप किसी कैपिटल एसेट का परमानेंट डिस्पोजल करते हो अगेंस्ट होम यू हैव क्लेम्ड द आईटीसी, इवन ट्रांसफर इज विदाउट कंडीशन बट इट इज स्टिल ट्रीटेड एज अ सप्लाई, ये सप्लाई मानी जाएगी आपकी। तो आप देखो, आप जीएसटी पता कैसे लगेगा, आपने पैसे तो लिए नहीं, तो इस पे जितना आईटीसी आपने क्लेम कराया ना एंड द डेट ऑफ ट्रांसफर प्रोरेटा रिवर्स करना पड़ेगा आपको आईटीसी। समझ गए क्या कह रहा हूँ? कि मान लो इस पे आईटीसी आपने 5000 रुपये का आईटीसी ट्रांसफर क्लेम किया था लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने में, तो जितने भी साल बाद आप इसे बेचोगे इसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको उस साल में रिवर्स करना पड़ेगा। तो सप्लाई का मतलब क्या है, आईटीसी आपका या तो टैक्स पे कर दो या आईटीसी रिवर्स कर दो, दोनों ही तो केस हैं, आपको ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। कितने आपने 5000 का आईटीसी कितने साल चलना चाहिए था, ऐसे एसेट की लाइफ जनरली 5 साल होती है, तो 5 साल के बाद अगर आप 5 साल के बाद बेचते तो कोई दिक्कत नहीं, 5 साल से पहले बेचोगे तो प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन पहले तो सप्लाई बनना चाहिए ना, तो सप्लाई बनेगा। दूसरी चीज़, जो ऑटोमोबाइल डीलर है कार उसका स्टॉक है, स्टॉक का आईटीसी मिलता है कि नहीं मिलता है, स्टॉक इन ट्रेड का आईटीसी मिलता है नहीं मिलता है, सेक्शन 7 दोबारा पढ़ के आना पड़ेगा ना हमें। स्टॉक इन ट्रेड तो आईटीसी मिलता ही है, तो स्टॉक यानी कि कार का उसने आईटीसी बेसिक वो वाली कार फ्री में दे दी, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड का आईटीसी तो लेता है ना, तो वो भी सप्लाई है। स्टॉक इन ट्रेड का तो आईटीसी लेते ही हो आप भाई, इसका तो आईटीसी लेते ही लेते हो ना, स्टॉक इन ट्रेड तो हमेशा आईटीसी अवेलेबल है। मान लो मैं रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ, तो मैंने रेडीमेड, देखो क्या है सेक्शन 17(5) क्लॉज एच आईटीसी ब्लॉक कर देगा, आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन इसका आईटीसी अवेलेबल तो था ना आपको, अगर आपने इसका आईटीसी क्लेम करा है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, बट इट इज़ ए सप्लाई, ये सप्लाई तो है ही ना। अगर देखो सेक्शन 17(5)(h) क्या कह रहा था, एनीथिंग डिस्पोज्ड ऑफ डिस्ट्रॉयड है ना, डोनेटेड गिफ्ट कुछ भी कर दिया, 5H जो कह रहा था, आपने कोई आइटम आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, फ्री गिफ्ट बांट दिया, सैंपल बांट दिया, उसका आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। लेकिन अगर आपने इस स्टॉक का आईटीसी ले रखा होगा तो सप्लाई बन जाएगी है ना। मान लीजिए आपने जब गिफ्ट आपका हुआ ऐसा हो, देखो आईटीसी कैसे लिया आपने, आपने सामान कार खरीदी अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल 24 में कार खरीदी, इसका आईटीसी था मान लीजिए 5 लाख रुपए का, ये आईटीसी की बता रहा हूँ है ना, ये आईटीसी था। अब आपको अप्रैल में कोई पता था आप कार बेच दोगे, आपने अप्रैल की रिटर्न भरी, इसमें से आउटवर्ड में से आउटपुट जीएसटी में से 10 लाख रुपए का आउटपुट था, लेस इनपुट 5 लाख रुपए, तो ये बचा हुआ 5 लाख आपने आईटीसी में पे कर दिया, यहाँ तक तो कोई कैश पे कर दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जीएसटी पे कर दिया। लेकिन आपने क्या हुआ, इलेक्शन तो मान लो दिल्ली की बात मानी है, किसी भी दिन आपने जून में जाके ये कार, जून में जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये कारें गिफ्ट कर दी, तो आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड और नॉट, ये कार गिफ्ट जो करी है आपने जून में करी, जिस महीने में खरीदी उसी महीने में बेच दी, तो फिर तो आईटीसी ले ही नहीं पाओगे ना। आप समझे मेरी बात क्या कह रहा हूँ, कि अगर आपने अप्रैल में खरीद के अप्रैल में बेच दी तो सेक्शन 17(5)(h) लग जाता, गिफ्ट डोनेशन और डिस्ट्रॉयड सैंपलिंग की तरह बांट दिया, तब तो आपको आईटीसी वैसे ही रिवर्स करना पड़ जाता, लेकिन आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच के एम्बिट से बाहर चले गए, आपने इसका आईटीसी क्लेम करा, लेटर ऑन स्टेज पे आपने ये गिफ्ट बांट दी है ना, हो सकता है आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में खरीदी थी, अब अप्रैल में नोटिफिकेशन तो इलेक्शन का अप्रैल में आया, तो अप्रैल के महीने में आपने बेच दी, आपने फरवरी 24 में खरीदी थी स्टॉक, स्टॉक तो पीछे ही खराब था ना, ऐसा कोई तो स्टॉक आता बिक जाता, स्टॉक आपने पीछे खरीदा था स्टॉक आपने अप्रैल में, अप्रैल की रिटर्न भरते ने इसका आईटीसी भी क्लेम कर लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, अब जून में आपने ये फ्री में दे दी अपने पॉलिटिकल पार्टी को, फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को, तो अब तो आईटीसी क्लेम कर चुके हो, तो क्या होगा, विल इट्स बी ट्रीटेड सप्लाई और नॉट, सप्लाई मानी जाएगी, ये सप्लाई है,
ये सप्लाई है बिकॉज यू हैव क्लेम्ड द आईटीसी, है ना, आईटीसी क्लेम कर लिया आपने, तो दोनों ही केस में आईटीसी वो है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर।